नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बसपा विधायकों की अखिलेश से मुलाकात पर मायावती का पलटवार, बोली सपा का चाल चरित्र और चेहरा दलित विरोधी। जयपुर में 17 साल की किशोरी का रेप, अश्लील वीडियो मां के मोबाइल पर भेजा। कानूनी छूट खत्म होने के बाद ट्विटर पर एफआईआर दर्ज करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। बीएसपी से आए विधायकों ने सचिन पायलट समर्थकों को बताया गद्दार, राजस्थान कांग्रेस में और भड़की राग। एक ही थाली में खा रहे चिड़िया और इंसान, वीडियो पर लोग लुटा रहे प्यार। लॉकडाउन में नहीं मिली मजदूरी, 10 दिन तक भूखा रहा परिवार, नहीं मिली एक भी रोटी तो तबीयत बिगड़ी। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। पंजाब में पिक्चर अभी बाकी है, सिद्धू ने ठुकराया डिप्टी सीएम का पद, मुश्किल में कांग्रेस। बुलंदशहर बंद पड़े मकान में युवती से एक ने किया रेप, तो अन्य युवक देते रहे पहरा, शिकायत पर केस दर्ज। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बोले चंपत राय गैर जिम्मेदार, मोदी उन्हें ट्रस्ट से तुरंत हटाए। दुनिया में कोरोना 367,000 नए के साथ तथा 8,808 की मौत। सरकार नहीं पर तेवर वही, इसराइल ने हमास पर किए फिर ताबड़तोड़ हमले, टूटा सीज फायर। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।